नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस बुलेटिन में। मैं हूं शरद। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। शहरी क्षेत्र में गत 8 मई को 3 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लगाया गया था कर्फ्यू। कर्फ्यू की समीक्षा को लेकर सोमवार को एसडीएम कार्यालय में आयोजित हुई बैठक, उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में डीएसपी ब्रजमोहन असवाल, छावनी परिषद ईओ अरविंद नेमा, तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा, सिटी थाना सीआई लक्ष्मण सिंह नाथावत, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर, नायब तहसीलदार भीमराज परिहार, श्रीनगर नायब तहसीलदार ओम लखावत, परिषद उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खंडेलवाल सहित अन्य लोगों ने की शिरकत। बैठक में कस्बे में कर्फ्यू का दायरा कम करते हुए राज नारायण रोड, शेर खान रोड, बड़ी मंडी क्षेत्र में कर्फ्यू को जारी रखने पर बनी सहमति। कस्बे के अन्य क्षेत्रों को कर्फ्यू से मुक्त कर दायरा घटाते हुए सरकार के लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के अनुसार 19 मई से लॉकडाउन 4.0 जारी रखने का लिया गया निर्णय। बैठक में निर्णय लिया गया कि कस्बे में पुलिस और छावनी परिषद प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग पूर्व की भांति रहेगी यथावत। कस्बे में अनावश्यक आवागमन करने के लिए कस्बे से कोटा रोड स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय के बाहर स्थित मार्ग पूर्व की तरह रहेगा खुला। गांधी चौक के निकट स्थित नवल राम जी की बेरी के निकट की गई बैरिकेडिंग को भी आवागमन के लिए जाएगा खोला। पुलिस जाप्ता रहेगा तैनात, की जाएगी स्क्रीनिंग। गुप्ता ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.1 के जारी निर्देशों का सख्ती से हो पालन, कोताही बरतने वालों के लिए की जाए सख्त कार्रवाई। एसडीएम राकेश गुप्ता ने आमजन से आग्रह किया है कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बेवजह घरों से न निकले बाहर, दुपहिया वाहन चौपहिया वाहन चालक दिशा निर्देशों का करे पालन, अन्यथा उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। बैठक में राजकीय सामान्य चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि संक्रमित रोगी मिलने वाले स्थान बड़ी मंडी, शेर खान रोड, राज नारायण रोड पर जांच कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उक्त क्षेत्र की सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। 43 जाँच रिपोर्ट अभी आनी है, बाकी रेंडम सर्वे का कार्य है जारी। नसीराबाद में गत 8 मई को बड़ी मंडी क्षेत्र में 2 और दूधिया मोहल्ला शेरखान रोड में 1 तथा 15 मई को राज नारायण रोड पर 1 युवक मिला था संक्रमित, जिससे कस्बे में संक्रमण की संख्या पहुंची कुल 4। लॉकडाउन 4.0 में सीमित समय तक बाजार की खुली सभी दुकानें बिना मास्क पहने 16 जनों के कटे चालान, 5,700 रुपये का वसूला जुर्माना। केकड़ी से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन 4.0 में पहले दिन बाजारों में कई दिनों से छाई हुई वीरानी हुई दूर। सोमवार को लोग जरूरी सामान के लिए दुकानों में खरीदारी करते आए नजर। हाल ही में शहरी क्षेत्र में कई दुकानों को खुलने की मिली सशर्त छूट से जनजीवन फिर से पटरी पर लौटा। बाजार खुलने से ग्राहकों की आवाजाही हुई शुरू, जिसमें बाजार गुलजार नजर आए। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुले बाजार में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आने लगी। इस दौरान केकड़ी एएसपी जयनारायण मीणा ने लगाई बाजार की गश्त। कई दिनों से दुकानें खुलने पर दुकानदारों ने साफ सफाई कर दुकान का लिया जायजा। बाजारों में कई होलसेल की दुकानों पर भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लॉकडाउन पूर्ण रूप से हो गया हो, समाप्त। सोमवार को पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर 16 लोगों के काटे चालान, 5,700 रुपये किए वसूल। केकड़ी डीवाईएसपी राजेश वर्मा ने बताया कि थानाधिकारी महावीर शर्मा के निर्देशन में शहर में बाजार समेत विभिन्न सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने और बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान किया गया है शुरू, जिसमें पुलिस ने शहर के प्रमुख सड़कों पर बिना मास्क के लोगों के काटे हैं चालान, वसूल किया है 5,700 रुपये का जुर्माना। लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश के 115 प्रवासियों को किया घरों के लिए रवाना, उपखंड अधिकारी ने निगम की 3 बसों से भेजा अजमेर। पिसांगण उपखंड क्षेत्र के करीब
दो माह से लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश के 115 प्रवासियों को रोडवेज की 3 बसों के द्वारा भेजा अजमेर। उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी ने राज्य सरकार के मंशानुसार 115 प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करवा कर किया विदा। उपखंड अधिकारी ने बताया, उपखंड क्षेत्र में ज्यादातर ईंट भट्टा उद्योग पर उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट क्षेत्र के मजदूर करते हैं कार्य। इसके अलावा कुछ प्रवासी मजदूर पताशा और अन्य फैक्ट्रियों में भी करते हैं काम। ऐसे बच्चों सहित कुल 115 प्रवासियों की प्राप्त हुई थी सूची, जिसे उपखंड मुख्यालय पर स्क्रीनिंग करवाकर रोडवेज की बसों के द्वारा भेजा गया अजमेर। बसों के साथ नायब तहसीलदार राम सिंह गुजर प्रवासियों को लेकर हुए अजमेर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना, जहां दोपहर 2 बजे सभी प्रवासियों को ट्रेन के द्वारा भेजा गया उत्तर प्रदेश। सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतल दी गई। रवानगी के दौरान विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान, पटवारी दुर्गालाल भैरा सहित उपखंड और तहसील का स्टाफ रहा मौजूद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर जो ये प्रवासी श्रमिक है, इनको राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क अपने गंतव्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें किसानगंज क्षेत्र के आजपुर श्रमिकों को रवाना किया जा रहा है। उनकी 2 बजे ट्रेन है और सरकार की तरफ से इनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई। कोविड-19 प्रभारी एवं अतिरिक्त निबंधक राजस्व मंडल अजमेर आशुतोष गुप्ता दूसरे दिन भी ब्यावर के दौरे पर रहे। सोमवार को गुप्ता ने रोडवेज बस स्टेशन पहुंचकर वहां घर जाने का इंतजार कर रहे प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्थाओं का किया अवलोकन। साथ ही इन प्रवासी मजदूरों के लिए की गई भोजन और आवास की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस दौरान यहाँ ठहरे प्रवासी मजदूरों से भी की बातचीत और उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। बातचीत के दौरान मजदूरों ने व्यवस्थाओं पर जताया संतोष, लेकिन घर पहुंचने की मांग। बस स्टैंड पर उपस्थित पीसीसी सचिव पारस पंच ने प्रभारी गुप्ता को रोडवेज बस स्टैंड पर रुके हुए मजदूरों के बारे में जानकारी दी। सोमवार को ही गुप्ता ने ब्यावर उपखंड के नर्बद खेड़ा जैन गुरुकुल स्कूल स्थित शेल्टर होम, शहरी क्षेत्र की चेक पोस्ट आदि का किया निरीक्षण। एक हफ्ता की खामोशी के बाद पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्र में फिर कोरोना की दस्तक। एक युवक मिला पॉजिटिव। इस युवक का भी अहमदाबाद से आना हुआ था पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्र में। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनाहेड़ा के पास झूठों की ढाणी में अहमदाबाद से आए एक युवक का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट पाया गया। रिपोर्ट आते ही मौके पर उपखंड अधिकारी देविका तोमर, सीओ ग्रामीण विनोद कुमार सिपा, सीआई राजेश मीणा, तहसीलदार पंकज बड़गुजर, चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर आर के गुप्ता पहुंचे मौके पर। आसपास के क्षेत्र में आवाजाही करी गई है बंद, पूरे क्षेत्र को किया जा रहा है सैनिटाइजर। डॉक्टर आर के गुप्ता ने बताया कि इस युवक के साथ रविवार को 8 अन्य लोगों की भेजी गई थी जांच। फिलहाल इस युवक के संपर्क में आए लोगों को जांच के लिए किया जा रहा है क्वारंटाइन। बहरहाल अब अहमदाबाद से आए दूसरे लोगों की जांच पर टिकी हुई है। यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव आया है और इसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करे जा रहे हैं और पूरे सुरक्षा रखी जाएगी। यहाँ मामला ये कि एक अहमदाबाद से एक युवक आया था जिसका हमने कल सैंपल लिए थे, उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनको 8 जनों को आज हमने सैंपल के लिए भिजवाया और बाकी सारी एक्टिविटी जारी। युवक अहमदाबाद से अकेला आया या साथ में और कोई आया? उसकी वाइफ और 2 बच्चे, 4 जने मोटरसाइकिल पर अहमदाबाद से आए थे। कोठी के युवाओं ने 70 जरूरतमंदों तक पहुंचाई खाद्य सामग्री की राहत। पुष्कर सहित ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भामाशाह निरंतर कर रहे हैं सेवा। निकटवर्ती ग्राम कोठी के युवाओं ने भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी इस पहल में अपना योगदान दिया। मौज मस्ती की उम्र में इन युवाओं ने सेवा कार्य में 70 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शेषकरण दग्दी, अमित सैनी, चंदू कछावा, विनोद दग्दी, मुकेश पीड़कन्या, भैरू गुजर, मनीष सैन, पपुराकेश चौहान, हंसराज दग्दी, अंकित जैन सहित युवाओं की ये टीम लगातार सेवा कार्यों में जुटी हुई है। शेषकरण दग्दी ने बताया कि वे अपने स्तर पर जरूरतमंदों की सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। अमित सैनी ने बताया कि संकट की इस घड़ी में मदद करना वो अपना मानव धर्म समझते हैं।
कोठी गांव के युवाओं की इस टीम ने अब तक सभी जरूरतमंदों तक करीब करीब राहत सामग्री पहुंचाने के कार्य को जारी रखने के साथ मास्क सैनिटाइजर का भी वितरण किया है, साथ ही कोरोना योद्धाओं को अल्पाहार भी करवाया गया है। मैं जब से सेकंड लॉकडाउन लगा तब से हमने 7 परिवार चयनित किए थे जिनको हम भाग्य सामग्री पहुँचा रहे थे, जिनका कॉल आ रहा था उनको भी दे रहे थे, लेकिन कल सेकंड सरकार के निर्देश जारी हुए कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, तो उसमें 7 की बजाय इस बार 70 परिवारों को चयनित किया जिनको हम 70 भाग्य सामग्री देंगे। सरकार की ओर से सरकार की तरफ से वैसे तो जितनी हो रही है उतनी हो रही है, जिन काफ़ी लोगों तक हद तक पहुँच नहीं पा रही है, जिनको ज़रूरत है उन तक सामग्री पहुँच नहीं पा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये सब बीड़ा उठाया है कि हम उनको घर घर जाकर देंगे। और वो सरकार से ही हम करते हैं कि वो जो बिजली का बिल का भी जो मुद्दा चल रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को, जैसे सरकार बोल रही है कि किराएदार से मकान मालिक किराया ना ले, दुकान मालिक किराया ना ले, ऐसे तो अगर आप नागरिक आम जनता से सरकार इस तरह दे रही है तो उन्हें भी सरकार को करना चाहिए काम की, कम से कम बिजली का बिल तो माफ़ करें, सब सबका नहीं लेकिन जिनका जो पॉसिबल नहीं है बिल भरने के लिए उनका तो माफ़ करना चाहिए। ये हमने मतलब हमारी एक टीम है, हम पूरी टीम मिलके ये सारा बेड़ा उठा रही है। हमारे पास 2-3 जगह से पहले फ़ोन आए कि हमारे पास खाद्य सामग्री नहीं है, तो फिर हमने विचार किया कि काफ़ी लोगों के पास खाद्य सामग्री नहीं है, तो फिर हमने ये प्रोग्राम रख के फिर हर सप्ताह 60 परिवार को खाद्य सामग्री देने का प्रयत्न किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।